वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाले मौजा वाड़ी के 3 खसरा जमीन को जिलाधिकारी ने यूएलसी में समावेशन करने की अब यह जमीन का 7/12 महाराष्ट्र शासन के नाम से दर्ज हुआ, जिसके कारण बड़े पक्के मकान के निवासियों का बड़ा झटका लगा है। जमीन का अर्बन लैंड सीलिंग में समावेश होने से यहाँ पर सालों से निवास कर रहे नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह जमीन से यूएलसी हटाने की मांग को लेकर वाड़ी भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष केशव बांद्रे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जमीन को महाराष्ट्र सरकार ने मुक्त नहीं किया तो आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है कि मौजा वाड़ी के खासरा क्रमांक 10, 195 व 122 जमीन पर बड़े बड़े लेआउट पड़े हैं। सैकड़ों लोग नव अधिकृत जमीन खरीद कर पक्के मकान बनाए हैं। यह जमीन 122 खास क्रमांक 1985 से लेकर 1996 तक 5/18 हेक्टर आर जमीन पुंडलिक सीताराम मोहरले के नाम 7/12 दर्ज था, जिसमें 2.2 हेक्टर आर जमीन शुभारंभ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी व 1.14 हेक्टर आर जमीन सदगुरु शरण हाउसिंग सोसाइटी को तथा 2.2 हेक्टर आर जमीन को ओम साइज सेवाभावी सोसाइटी को बेची। लेआउट डालकर प्लाटों में तब्दील कर जमीन को बेचा गया, लेकिन 2007 में इस जमीन पर जिलाधिकारी ने यूएलसी लगाकर 5.8 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र सरकार के नाम से की गई। बची जमीन 0.10 आर क्षेत्रफल ओम प्रकाश डोमजी गुरुनले के नाम दर्ज की गई है। यह जानकारी पटवारी ने 2 नवंबर 2020 को सूचना के आधार के तहत केशव बांद्रे को दी है। 1985 की जमीन 2007 में बनी यूएलसी के तहत सरकार ने अपने नाम कैसे की, यह सवाल यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। जिस जगह पर यूएलसी लगी उस जगह पर 99% मकान बनकर लोग निवास कर रहे हैं। इस जमीन पर स्कूल, मंदिर, गार्डन, मैदान बने हैं। कुछ लोगों ने रजिस्ट्री भी की है तो कुछ ने सिटी सर्वे में भी नाम दर्ज किया है। सभी निवासी नगर परिषद को निवास टैक्स भी अदा करने की जानकारी बांद्रे ने दी। शुरुआती दौर में कुछ लोगों के घरों का आरएल, एएनए व आखिर पत्रिका में नाम दर्ज हुए है, जिसके आधार पर लोन उठाया, लेकिन जब से महाराष्ट्र सरकार के नाम 7/12 दर्ज किया गया तब से यहाँ के निवासियों को राष्ट्रीयकृत बैंक लोटो पर लोन नहीं दे रहे हैं। अब आरएल व एएनए करने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। जमीन पर महाराष्ट्र शासन का नाम दर्ज होने से निवासियों को अब यह सरदर्द हमेशा के लिए बना है। राज्य शासन का नाम हटाकर निवासियों के नाम दर्ज कर आरएल व एएनए करने की मांग वाड़ी के आदर्श नगर, रघुपति नगर, शुभारंभ सोसाइटी, ओम साई सोसाइटी, सदगुरु शरण सोसाइटी के निवासियों ने की है। वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज, नागपुर। कि वाड़ी शहरा मध्ये 2007 वर्षी 4 जे खसरे होते ते खसरे महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने महसूल विभागाने लावले। 2007 आधीपासून जे जे खसरे यांनी यूएलसीमध्ये टाकलेले आहेत त्या खसऱ्यावर ऑलरेडी घरं बनले होते, लेआउट पडलेले होते, बरेचसे घरं बनले आहेत। 99% घरं त्या लेआउटमध्ये बनलेले आहेत आणि तरीसुद्धा हेतुपुरस्पर कुणाच्या आदेशाने कुठल्या नियमाप्रमाणे ज्या ठिकाणी लेआउट पडले ते यूएलसीमध्ये टाकले हे समजण्यास काही कारण नाही। लेआउट पडले होते, घरं बनले होते, तरीसुद्धा शासनाने कुठल्या हेतूने हे यूएलसीमध्ये टाकले याचा आम्ही विचारणा केलेली आहे। माननीय जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या तर्फे आपण निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांना विचारणा केलेली आहे आणि त्यांना विनंतीसुद्धा केलेली आहे की जे जे लेआउट, जे जे खसरे यूएलसीमध्ये टाकण्यात आले ते त्याच्यातून वगळून पुन्हा ज्यांच्या ज्यांच्या नावाने होते त्यांच्या ज्यांच्या नावाने ते करून द्यावं। याचं कारण असं आहे की यूएलसीमध्ये असल्यामुळं ज्यांना लोन घ्यायचं आहे त्यांना लोन मिळत नाही, कारण बँकामध्ये गेल्यावर बँक सगळ्या गोष्टी सर्च करते आणि सर्च केली की त्यांना ते दिसून येते की 7/12 हे महाराष्ट्र शासनाचं नाव आहे। जसं आमचा 222 खसरा नंबर होता, त्या 222 खसरा पूर्ण जो आहे 5.18 हेक्टर काहीतरी आहे तो पूर्णचा पूर्ण खसरा जो आहे तो यूएलसीमध्ये टाकण्यात आलेला आहे आणि यूएलसीमध्ये टाकण्यात आल्यामुळं इंडस्ट्रियल येणे होत नाही। आरएल देताना नगर परिषदेचे अधिकारी त्रास देतात, सनद घ्यायची आहे, आखीपत्रिका घ्यायची आहे तर त्यांना आरएल लागते,
आणि एन एस शिवाय आर एल भेटत नाही. आर एल भेटत जरी असलं पण एन एस शिवाय बँक लोन देत नाही. आणि एन ए कराचं तर सातबारा हा त्यांच्या व्यक्तिगत नावाने पाहिजे आणि त्या सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचा यू एल सीच्या नियमाप्रमाणे त्यांनी चढवलेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडनं प्रशासनाकडनं आम्हाला आम्हाला एक मागणी आहे की जे जे खसरे वाढीतले जसं माझ्या माहितीप्रमाणे 80/3 त्याच्यानंतर खसरा नंबर 10 195 आणि 222 हे 4 खसरे वाडीत शहरातले जे यूएलसीमध्ये टाकण्यात आलेले आहे ते सर्व खसरे यूएलसीमधून काढून पुन्हा व्यक्तिगत नावाने करून द्यावं जेणेकरून लोकांना घर बांधताना लोन घेताना त्याचा त्रास होणार नाही आणि सगळ्या नियमाप्रमाणे हे वाडीचं नियोजन होईल. त्याच्यामुळं महाराष्ट्र शासनाकडनं जिल्हा प्रशासनाकडनं मी विनंती करतो की जे जे खसरे त्यांनी यूएलसीमध्ये टाकलेले आहेत त्याला रद्द करून पुनश्च एकदा व्यक्तिगत नावाने त्यांचं करून द्यावं जेणेकरून लोकांना हा त्रास होणार नाही.